इन गुलबर्गा वार्ते कलबुर्गी नगर नूतन अंसारी पॉलिक्लिनिक आस्पत्र आरंभवागिदे नूतन आस्पत्र रिबन कत्तरिसुव मूलक गण्यरु उद्घाटिसिदरु स्टेशन बजार हत्तिर नूतन अंसारी पॉलिक्लिनिक आस्पत्र आरंभ आस्पत्र डॉक्टर इस्माइल खान उद्घाटी उनकी सेहत का खास ख्याल रखना वही एक चीज है दोनों जहां में काम आने वाली एक दुनिया में लोग उससे फायदा उठाना और आखिरत में भी उससे कामयाबी मिलना यही वो काम है जो हर एक आदमी पसंद करता है। खुदा के रसूल को भी यही काम पसंद रहा। बस हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जिस तरह से 35 साल काम करें यहाँ पे हमारे बाप की नसीहत थी उसको मुकम्मल करके हम मजबूरी की हालत में इस दवाखाने को छोड़ना पड़ा। हम बीमार होने की वजह से इस दवाखाने को छोड़े वरना और अगर अल्लाह ताला मुझे साथ देता तो और मैं काम करता। अब बस ये बात कहते हुए अब आखिरी में जो है दुआ करता हूँ कि आप लोगों को जो है हिम्मत हौसला अदा करें और जो है मरीज यहाँ से शिफायाब होकर आमीन। ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಕಿರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಪಿಎನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಔರ್ ಆಜ್ ಮೈ ಅನ್ಸಾರಿ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೋಲ್ಕೆ ಜೊ ಅಫ್ತಿತಾ ಕಿಯಾ ಹೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಕೆ ಹಾತೋಂ ಸೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಹೀ ಕಿ ಜಗಹ ಹೈ ಯೆ ಔರ್ ಜೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ 45 ಸಾಲ್ ಜೊ ಖಿದ್ಮತ್ ಕಿಯೆ ಹೈ ಅವಾಮ್ ಕಿ कौम की जो खिदमत की है उन्होंने माशाल्लाह मैं डॉक्टर इस्माइल खान साहब से बहुत कुछ सीखा हूं और वो एक हस्ती सही मानों में उनका स्टैचू होना है। उनको जो 44-45 साल जो खिदमत जिस तरह से किए हैं वो मेडिकल वाला ही जान सकता है क्योंकि जो उनका जो तरीक़ा था ट्रीटमेंट का बगैर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर ब्लड टेस्ट कौन सा भी टेस्ट बगैर करे के जो सिम्टम को देखकर जो बीमारी को पहचानते थे उन्होंने वो बीमारी को पहचान कर जो है बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो मेडिसिन लिखते थे वो 100% इलाज होता था और अल्लाह ताला उनके हाथों में शिफा दिया था। और उनकी नियत और उनके जो हौसले और उनकी जो ये है स्ट्रगल सिर्फ फॉर्म के लिए है। ये दुकान 44 साल से पुरानी ही दुकान में उन्होंने जो है यहाँ पर खिदमत करे वही पुराने तख्ते का डोर था वही 5 रुपये 2 रुपये से स्टार्ट करके 2 रुपये फीस जो कंसल्टेशन फीस लेते थे माशाल्लाह मेरे को तो पूरे इंडिया में ऐसे कोई डॉक्टर ऐसे नहीं 2 रुपये मैं जो देखा हूँ 2 रुपये से स्टार्ट हुआ था 5 रुपये करे 10 रुपये करे 20 रुपये करे लास्ट पेशेंट को कंसल्टेशन फीस। जब देवानंद सारी सेंटर कामत होटल हिंदुगढ़े सुपर मार्केट कलबुर्गी के MBBS रहते हुए भी उन्होंने MD भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे उतना अच्छा ट्रीटमेंट था डॉक्टर साहब का। और ऐसे कई पेशेंट देखा हूँ मैं जो कार में उठा के उनको सुला कर ला के यहाँ पे पेशेंट को ये करे सुले तो 1.25 घंटे में जो चलते भेजे पेशेंट को। ऐसे मैं कई पेशेंट को देखा हूँ बम्बई से आए हर खेड़े विलेजेस नालवर वाड़ी शाहबाद अलन सब तरह पूरे गांव से जो उनके पास आते थे और उनका मकसद जो था उनकी नियत जो थी डॉक्टर साहब की कि पेशेंट को मेरी फीस 20 रुपये लेना 30-40 रुपये में जो है मेडिसिन आना। जबकि सिप्लॉक्स टैबलेट मैं जब मेडिकल डाला था 24 रुपये में एक गोली थी वो लेकिन डॉक्टर साहब जो दूसरे ब्रांड कंपनी का ब्रांडेड जो इथिकल कंपनी का जो लिखते थे डॉक्टर साहब वो था 6 रुपये 7 रुपये में यानी कि पेशेंट को 24 रुपये की गोली 6 रुपये में मिलना। और रेड्डीज लेबोरेटरी के टैबलेट लिखे उन्होंने ऐसे कई कंपनीज के जो लिखे उन्होंने वो मेडिसिन जो है डॉक्टर साहब की सस्ता जो कम पैसों में ट्रीटमेंट होना कम खर्च में ट्रीटमेंट होना पेशेंट का 30-40 रुपये में 3-4 दिन के गोले आना और 10-20-20 रुपये में उनका ये होना तो वो उनका जो मकसद था बोले तो पेशेंट को ज़्यादा
पैसे का जो फाइनेंशियली बर्डन नहीं होना, वही मैं नियत करके ये क्लिनिक डाला हूँ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಸ್ಲಿಮಾ ಅನ್ಸಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.